हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल यहाँ पे आज आप लोगों की यहाँ पे सुनवाई लगी है, इस पर क्या अपडेट आई है। दोस्तों, बीएड वर्सेस शिक्षाविद्रोह में तो क्या आज निर्णय निकल के सामने आया वो आपको बताने वाले हैं। कोर्ट से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, जिस हिसाब से बीएड में पीआरटी को एलिजिबल नहीं माना गया है, पीआरटी से बाहर कर दिया गया, उसी प्रकार से दोस्तों आज आपको बता दे रहे बड़ी अपडेट आई। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, ठीक है, एक याचिका दाखिल की है कि जब 2018 के गजट को हटा दिया गया, अमान्य कर दिया गया है और एनसीटी की गाइडलाइन को रद्द निरस्त कर दिया गया है, तो इसी प्रकार से 2018 में नियुक्ति पाए जो बीएड वाले छात्र उनको भी रद्द किया जाए, उनकी नियुक्ति हटाई जाए। 2018 में जिनकी जिनकी छात्रों की बीएड में नौकरी या नियुक्ति लगी उनको हटाया जाए, यही दोस्तों शिक्षा मित्रों की मांग हुई है और याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों फिलहाल इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई देखने को मिली है और लगभग 10-12 मिनट से लगातार सुनवाई चल रही है, अभी भी काफ़ी बहस देखने को मिली है। फिलहाल इस पर आज कोई ना कोई साफ साफ निर्णय फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन कोई ना कोई निर्णय जरूर आएगा। इस पर जो भी अपडेट होगी इसी चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।